मैं क्या बनना चाहता हूँ एक अंतरिक्ष यात्री पर निबंध। परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक प्रसिद्ध उद्धरण है, एक सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपना वह होता है जो आपको सोने नहीं देता है। और यह बिल्कुल सत्य है। मैंने एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखा है। और अपने राष्ट्र और माता पिता को गौरवान्वित करने का सपना देखा है। मैं एक अंतरिक्ष यात्री क्यों बनना चाहता हूं? जब मैं छोटा था तो मैं और मेरी दादी छत पर सोते थे और मैं आकाश की ओर देखते हुए उनसे कई सवाल किया करता था, जैसे कि आकाश कितनी दूर है, तारे इतने छोटे क्यों लगते हैं आदि। आकाश हर समय मुझे अपनी ओर आकर्षित करता था।
और मैं अपनी दादी के जवाब से कभी संतुष्ट नहीं होता था। और मैं आकाश और तारों को हमेशा अपनी नग्न आंखों से देखना चाहता हूं। फिर एक दिन मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसी चीजों को देखने और उनके बारे में जानने के लिए एक अंतरिक्ष यात्री बनने की आवश्यकता है। यह सब मेरे लिए एक सपना जैसा है। और वास्तव में भविष्य में आकाश और सितारों को देखना चाहता हूं। मैंने कल्पना चावला सुनीता विलियम्स आदि के बारे में सुना है। और मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूं। मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एकमात्र रास्ता है पूरी तरह से अध्ययन करना और मैं हमेशा ही
अपने अध्ययन के प्रति अपने शिक्षाविदों से अच्छे अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। जिससे कि आगे की कॉलेजों में प्रवेश पाने में मदद मिले। इन सब के अलावा मैं हमेशा अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न टीवी शो और कई अन्य चीजों से भी सीखने की कोशिश करता हूं। मेरे पिताजी हमेशा मेरी मदद करते हैं। और वो अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न दिलचस्प पुस्तकें लाकर मुझे देते हैं। वो मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं। और हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। मेरे माता पिता मुझे इतना समर्थन देते हैं कि जैसे लगता है कि उनका ही सपना हो। मेरे स्कूल के शिक्षक भी मुझे अपना समर्थन देते हैं। और मैं अपने स्कूल के आंतरिक विज्ञान प्रतियोगिता में
हमेशा भाग लेती हूँ। यह प्रतियोगिता मुझे नए गैजेट बनाने और मेरी रचनात्मकता को दिखाने में मेरी मदद करती है। और ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अंतरिक्ष यात्री जरूर बनूंगा। क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। और यह मेरा जुनून है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को लेकर बहुत भावुक होता है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। निष्कर्ष, हम सभी को अपने सपने को एक लक्ष्य की तरह देखना चाहिए क्योंकि हम मानव हैं और भगवान ने हमें एक ऐसा मस्तिष्क दिया है जो कि हमें जानवरों की तुलना में कहीं बेहतर बनाता है। जैसा कि जानवर और कीड़े भी खाते हैं, सोते हैं,
लेकिन इंसानों और जानवरों में फर्क बस इतना है कि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए आप एक जानवर की तरह मत बनो। और अपने मस्तिष्क का उपयोग करें। और एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी ओर आगे बढ़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहे। बाय बाय।